दोस्तों आज की वीडियोस में मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप दिखाने वाला हूं। अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर अगर आप मोटो ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और आप अपने मोटो ब्लॉगिंग वाले सेटअप को कैसे एकदम ऊपर हाई लेवल पे पहुंचा सकते हो। और अभी के टाइम में मोटो ब्लॉगिंग जो है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, उसका चैनल जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। भले ही आपके पास कोई सा भी बाइक हो, लेकिन अगर आपके पास जो मैं आज गैजेट बताने वाला हूं वो अगर आपके पास है तो आपके पास पल्सर 125 ही क्यों ना हो, आपका मोटो ब्लॉगिंग का चैनल काफी अच्छे से चल सकता है। तो दोस्तों अभी आप मेरे सामने देख सकते हो, ये मेरा फुल जो है मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है। मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं, ये फुल मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है और इसमें क्या क्या चीजें मैंने लगाई है और क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और आपको क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए जो कि चिपेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपके पास एक कोई भी एक बाइक होना चाहिए, भले ही वो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस हो या फिर R15 हो, आपके पास एक बाइक तो होना चाहिए। अब दोस्तों बाइक के साथ आपको एक हेलमेट लेना है, हेलमेट आप नॉर्मल नहीं ले सकते, आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक वाला हेलमेट चाहिए जो कि ये आप देख सकते हो स्टेटस का हेलमेट है। सारी चीजें मैंने ऑनलाइन मंगाई है, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इस हेलमेट का जो कॉस्ट मेरे को पड़ा है वो पड़ा है 1500 रुपए और ये काफी अच्छी काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी की है। दो तीन बार पटक दो कैमरा टूट जाएगा लेकिन ये नहीं टूटने वाला है। तो सबसे पहले मोटो ब्लॉगिंग में बाइक जरूरी, दूसरा हेलमेट जरूरी। अब हमारा आता है मोटो ब्लॉगिंग किट। ये दो चीज से हमारा मोटो ब्लॉगिंग कंप्लीट नहीं होने वाला है दोस्त। यहां पे अब आपको चाहिए एक गोप्रो टाइप का कैमरा। अगर आप गोप्रो लेने जाओगे तो वो 28-29-30 हजार में पड़ेगा और अगर आप गोप्रो 9 लेने जाओगे 36-40 हजार के बीच में पड़ने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर आपके आपका जो बजट है वो कम है तो आप DJI Osmo Action कैमरा जो कि ये आप देख सकते हो ये मैंने लगाया है और मैं अपनी जितनी वीडियो स्टेक चैनल पे शूट करता हूं ना सब इसी कैमरे से शूट करता हूं। अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो iPhone से हो रही है। तो आप DJI Osmo Action कैमरा स्टार्टिंग के लिए अगर आप बिगिनर ब्लॉगर हो तो आप DJI Osmo Action कैमरा ले सकते हो जिससे आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर सकते हो, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर सकते हो, यहां तक कि कोई भी वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो DJI Osmo Action कैमरा से काफी अच्छी क्वालिटी में। इस कैमरे का जो प्राइस मेरे को पड़ा था वो पड़ा था जब मैंने लिया था 21,000 रुपए और अभी भी ये 21-22 हजार रुपए में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा तीन चीज कंप्लीट हो गया। अब ये कैमरे को माउंट करने के लिए हमारे पास एक चीन माउंट होना चाहिए जो कि हेलमेट का आता है। आप बेसिकली इसमें आप जो प्लास्टर ये सब चिपकाने वाला होता है उससे भी आप कर सकते हो लेकिन उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होगा, कभी भी वो उखड़ के गिर जाएगा। तो मैंने ये यंत्रालय का ये आप देख सकते हो अंदर से ये पूरा जो है एकदम पैक है और ये अंदर से एक जिप होता है उसको लगाने वाला, इसको मैंने 899 रुपए में मंगाया था और इसका भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इससे मेरा बेनिफिट ये होता है कि ये कभी भी आपका खुल के नहीं गिरेगा और एकदम स्टेबल रहेगा। और अगर आप ऐसे चिपकाना चाहो कोई चीज तो यार वो उखड़ के कभी भी गिर सकता है, अगर आप थोड़ा सा अप डाउन करते हो ना तो वो गिर सकता है। तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ये ले सकते हो, काफी अच्छा ये चीन माउंट है। उसके बाद आपको जो है एक जे हुक लेना मैंडेटरी है। अब जे हुक क्या होता है, ये आपको यंत्रालय का जो देगा इसके ऊपर आपको जे हुक लगाना है, उसके बाद ही आपको कैमरे का माउंट करना है क्योंकि कैमरे को माउंट करने के लिए आपको थोड़े बहुत इक्विपमेंट चाहिए, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो भी कम से कम 1499 रुपए में ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें जो है 1499 वाले किट में आती है जहां पे आपको चेस्ट माउंट, हेलमेट माउंट, हाथ वाले, बाइक वाले सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए। तो यहाँ पे ये कंप्लीट जो सेटअप है ये आप देख सकते हो, आपको मैं नजदीक से दिखाऊं तो बेसिकली इसमें कैमरा भी चालू है और आप देख सकते हो ये कंप्लीट जो सेटअप है ना ये हमारा तैयार हो चुका है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। अब चलो अगर मैं इसको मैं लगाता हूं, ठीक है, अब इसको मैं पहन के आपको दिखा देता हूं कि पहनने के बाद ये कुछ कैसा लुक देता है। तो ये आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का, काफी मतलब कि प्रीमियम आपको लगेगा यार। अब देखो साइड से देख सकते हो, साइड से भी आपको लगेगा हाँ ये मोटो ब्लॉगिंग फुल्ली सेटअप है, एक प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आपको लग रहा होगा। इस कैमरे को आप यहाँ से डाउन भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आपका जैसा प्लेसमेंट आपको करने का मन हो वैसे आप इसको कर सकते हो, बहुत घर भी लगने लगा। तो ये पूरे चीजों का जो मेरे को प्राइस पड़ा ये करीब 21,000 का कैमरा था, 1600 का ये। उसके बाद हाँ एक और चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया जो कि है आपको एक माइक लेना पड़ेगा 3.5 mm ऑडियो जैक, और अगर आप DJI Osmo का अगर कैमरा लेते हो तो इसके साथ एक एडाप्टर भी लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, ये भी 1999 रुपए में आपको मिलेगा।
तभी आप इसमें माइक कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों टोटल जो मेरा खर्चा पड़ गया एक ब्लॉगिंग सेटअप के लिए, इसको मैं सिर्फ ब्लॉगिंग सेटअप नहीं बोल सकता हूं, इससे मैं बहुत सारे काम करता हूं, यूट्यूब का भी वीडियोस, टेक चैनल का भी वीडियोस मैं इसी कैमरे से शूट करता हूं। सबसे ज्यादा तो कॉस्टली मेरे को पड़ा ना वो कैमरा पड़ा, बाकी सारी चीजें आपको 30,000 के अंदर में ई टू जेड चीजें हो जाएंगी, आपके पास तो बाइक हो गए। और उसके बाद देखो मैं स्टार्टिंग में पहले भी बोलता था कि स्टार्टिंग आपको थोड़ा धीरे धीरे करना है, लेकिन हाँ मोटो ब्लॉगिंग अगर आपको करना है तो आपको तो थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप मोटो ब्लॉगिंग करोगे कैसे? आपका अगर कैमरा स्टेबल नहीं है, आप सोचो कि आप मोबाइल कर दो तो मोबाइल से उतना अच्छा नहीं बन पाता, उतना अच्छा स्टेबल नहीं बन पाता, लेकिन मोबाइल से भी मैं बताऊंगा कि मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग आप कैसे कर सकते हो, उसका भी मैं एक कंप्लीट एकदम जुगाड़ू सेटअप लेके आऊंगा बहुत जल्द। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट का मैंने बताया सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए वहां से परचेस करिए और आज ही अपना मोटो ब्लॉगिंग यार चैनल स्टार्ट करो और ग्रो करो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।